हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों को जेएससी लैब असिस्टेंट के बारे में कुछ बात करने वाले हैं कि आप लोगों का रिजल्ट क्या आने वाला है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वारी था और बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग कमेंट करके बार बार पूछ रहे थे कि रिजल्ट कब तक आएगा सर। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बताने वाले हैं कि आप लोगों को देखिए अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है, और कब तक आता है और नहीं आता है तब तक आप लोगों को क्या क्या करना है, सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, अगर वहाँ पे अगर आप ज्वाइन नहीं हुए होंगे तो वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे आपको शॉर्ट नोटिस वगैरह PDF वगैरह वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट नंबर पे परीक्षा का नाम झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023, ठीक है, जो कि आपका जो एग्ज़ाम CVT मोड में हुआ था। ठीक है, विज्ञापन संख्या 01/2023। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं जो एग्ज़ाम जो है आपका संभावित तिथि जो दिया गया था 27/7/2023 से लेके 12/8/2023 तक। ठीक है, ये आपका SSC का जो झारखंड SSC है उसका ऑफिशियल कैलेंडर है 2023-24 का। ठीक है, और इसमें जो आपका देखिए जो प्रस्तावित जो एक परीक्षा फल का जो संभावित तिथि है वो देखिए अक्टूबर का जो सेकेंड वीक है उसमें दिया गया है। ठीक है, आपका जो रिजल्ट है वो आपका अक्टूबर का सेकेंड वीक में पब्लिश कर दिया जाएगा। रीज़न बताएंगे क्यों अभी किया जाएगा। ठीक है, आगे एक्सटेंड हो भी सकता है नहीं भी उसका पूरा एक्सप्लेन करेंगे। बाकी बात आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी जो PGT का एग्ज़ाम चल रहा था जो कि हो गया कम्प्लीटली। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रस्तावित यहाँ पे जो एग्ज़ाम का डेट था, ठीक है, 18/8/2023 से लेके 10/9/2023 तक। ठीक है, बाकी बात नवंबर में इसका जो एग्ज़ाम जो रिजल्ट है वो पब्लिश होना है। ठीक है, फर्स्ट वीक में। बाकी बात अभी जो एग्ज़ाम का जो करंटली है वो जो डिप्लोमा जो झारखंड JEE का जो एग्ज़ाम चल रहा है अभी जो कि CVT मोड में, और इसका जो आपका एग्ज़ाम का जो डेट है, ठीक है, वो 2/9 से लेके 20 अक्टूबर तक है, और इसका जो रिजल्ट का जो पब्लिश करने का जो डेट है वो दिसंबर का थर्ड जो अंतिम सप्ताह का है। ठीक है, ये थर्ड नहीं अंतिम सप्ताह है। ठीक है, बाकी बात देखिए यहाँ पे सब कुछ अगर सही चला, ठीक है, और तो ये अक्टूबर का जो सेकेंड वीक में पब्लिश कर दिया जाएगा। बाकी बात देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अक्टूबर में ही क्यों करेगा। देखिए इधर जो आप देखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपका जो एग्ज़ाम जो इधर जो चल रहा है देखिए सारा सीक्वेंस में चल रहा है। ठीक है, आपका जो प्रस्तावित जो था लैब असिस्टेंट का, देखिए जो 27/7 से जो यहाँ पे परीक्षा का जो संभावित तिथि था वो 27/7 से लेके 12/8 तक था आपका, तो उसके बीच में हो गया आपका। PGT का जो एग्ज़ाम था आपका 18/8 से लेके 10/9, ये भी आपका हो गया। बाकी बात जो JEE का एग्ज़ाम जो तो संभावित तिथि था, देख सकते हैं यहाँ पे 2/9 से 20 अक्टूबर तक, ये भी आपका चल रहा है अभी करंटली। ठीक है, तो देखिए ये जब आपका सीक्वेंस में चल रहा है तो इधर आपका एग्ज़ाम भी को एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है ये भी आपका सीक्वेंस में चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए इसके पीछे भी लॉजिक है। आप सोच रहे होंगे कि जो झारखंड में जो गवर्नमेंट है, आप सोच रहे होंगे देखिए अभी जो 24 में इलेक्शन है आपका, उसके बाद जो 4.5 साल में गवर्नमेंट ने एक भी वैकेंसी को क्लियर नहीं किया, कोई भी रिक्रूटमेंट को पूरा नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर ये 4.5 साल में कुछ नहीं किया और ये लास्ट का जो अंतिम जो 4-5 महीना जो बचा हुआ है अभी, ठीक है, इसमें अगर ये कुछ नहीं करते हैं तो 24 में फिर इनको वोट कैसे मिलेगा, इलेक्शन में फिर कैसे मतलब ये काम इनका कैसे होगा। ठीक है, क्या देख के ये वोट इनको मतलब मांगने जाएंगे, अगर मांगने भी जाएंगे तो ये थोड़ा सा लॉजिक आप लगाइए कि अगर ये क्लियर नहीं करेंगे तो फिर इनका इलेक्शन में फिर काम कैसे चलने वाला। तो सीधा सोचिए कि बहुत लोग, एक स्टूडेंट थे वो बोल रहे थे कि सर 2016 का जो रिजल्ट है वो अभी यहाँ पे साइट में पब्लिश हो रहा है, क्या रीज़न है। तो देखिए उसका अलग केस है, और बोल रहे थे कि नहीं झारखंड का जो आपका रिजल्ट पब्लिश होने में कई सालों लग जाता है। ठीक है, तो ये देखिए उधर अलग जो हाईकोर्ट में सारा मामला चला गया था उसका अलग केस था, लेकिन ऐसा नहीं, इस बार सारा क्लियर होगा आपका। इसलिए भी क्लियर होगा क्योंकि देखिए 24 में फिर इलेक्शन ही, तो ये फिर जाएगा तो सारा ये फिर आपका हाईकोर्ट में फिर सारा चला जाएगा, फिर एक भी क्लियर नहीं होगा तो फिर से गवर्नमेंट खुद फंस जाएगी यहाँ पर। तो ऐसा नहीं होने वाला, आपका एग्ज़ाम जो है पूरी अच्छी तरीके से क्लियर किया जाएगा इस बार, आप थोड़ा पेशेंस रखें। बाकी अक्टूबर में आप देख सकते हैं सेकंड वीक यहाँ पे दिया हुआ, सेकंड वीक तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, जैसा अभी चल रहा है सीन। बाकी बात हाईकोर्ट वगैरह में देखिए अभी झारखंड का थोड़ा जो झारखंड CGL का जो मैटर वो चला गया है, तो उसका थोड़ा डेट है जो मान के चलिए कि थोड़ा एक्सटेंड होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगा, लेकिन अभी जो 14-15 तारीख को जो एग्ज़ाम जो आपका होना था झारखंड CGL का, वो मान के चलिए कि अभी आपका जो उसका एग्ज़ाम है वो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर नहीं तो सेकंड वीक ऑफ नवंबर में आपका होगा। ठीक है, तो आपके पास देखिए 40-45 डेज के आसपास, मतलब 50 डे के आसपास आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। तो अगर आप जैसे CGL का प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं 50 डेज में आराम से, बहुत अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा आपका। क्योंकि देखिए अगर आप
सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर आप प्रिपरेशन अगर कोई कर रहे होंगे झारखंड सीजीएल ये जे मतलब एसएससी वगैरह का सीजीएल वगैरह का सीएसएसएल वगैरह का, तो देखिए आपको अगर 50 डेज में दो ही टॉपिक पढ़ना है, आप अगर कोटा या हिंदी रखोगे तो कोटा पढ़ लीजिए पढ़ना, और झारखंड का एक स्पेशल जीके पढ़ना, बाकी वक्त तो सारा वही सेंट्रल एसएससी का ही सिलेबस है, ठीक है। तो अगर आप पढ़ रहे होंगे तो 50 डेज आपके लिए मोर देन इनफ है, आराम से कवर कर सकते हैं। झारखंड जीके 30 दिन तो मोर देन इनफ आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी अपना टाइम ख़राब ना करें यूट्यूब में, ठीक है, डेली डेली रिजल्ट डेट देखने के चक्कर में। तो आपका जो प्रस्तावित जो तिथि है वो अक्टूबर का सेकंड में, उससे पहले आपका नहीं आएगा, उसके बाद ही आएगा लेकिन पहले नहीं आएगा, ठीक है। तो आपके पास जो भी टाइम है अच्छे से पढ़िए आप लोग, ठीक है, सीजीएल वगैरह में दीजिए टाइम, ठीक है। बाकी बात अभी अगला देखिए क्या होता है, तब तक के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।